ओके, क्या कहा था मैं लास्ट क्लास? ऐसे तो अगर पूरे ग्रुप से पूछा जाए तो कोई बोलेगा ही नहीं, इस कारण से नाम लेके ही पूछना पड़ता है कि मिस्टर राम हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास। राम जी, राम आवाज आ रही यस है? सर, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास? माइक ऑन रखो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को ये बताओ कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, कहाँ हेडक्वार्टर? युक्ता मित्रे, युक्ता आवाज आ रही है मेरी? प्रणाली, कौशल, यस सर। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर। सार का हेडक्वार्टर किधर है? सर एक मिनट, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलेंगे सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। नेपाल में है सर, काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू की करेंसी क्या है? अभी याद नहीं आ रहा सर। हमने लास्ट टू लास्ट करेंसी पढ़ा था ना, कंट्री कैपिटल करेंसी। नहीं सर, करेंसी बताया नहीं था सर। नहीं, लास्ट क्लास में तो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, लास्ट लास्ट क्लास में हमने कंट्री उसकी कैपिटल उसकी करेंसी पढ़ा है। आप तो थे उस क्लास में? नहीं सर, वो लेक्चर में नहीं था सर। अच्छा, तो फिर YouTube पर जाकर देखना चाहिए था ना। हाँ सर। संकल्प नागरकर। हाँ सर, क्या है नाम आपका? संकल्प। हेलो सर। हाँ बोलो। संकल्प आप कहीं बाहर है क्या? नहीं सर, घर में हूँ। ओके, आपका एम क्या है? सर बैंकिंग लगना, बैंक में लगना। बैंक में लगना, ठीक है। तेजल माइक ऑफ करो। ओके ठीक है, लास्ट क्लास थे आप? लास्ट में था सर, लास्ट के लास्ट क्लास में था। क्या पढ़ाया था? तो कैपिटल और करेंसी। ओके, ये रोम का करेंसी क्या है? इटली का, इटली का बताओ। क्या हुआ? एक क्लास से और उसमें ही अगर आपको नाम नहीं मालूम हो, किसने बोला लीरा? लीरा है, मैंने बोला तेजल। दीपाली, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या ये? नहीं, मतलब मैंने बाद में बोला, मैडम ने पहले बोला, बाद में मैंने बोला लीरा है। जब तक इंडिविजुअल नाम से क्वेश्चन ना पूछू, आंसर मत दें, मुझे मालूम है। मेघा जोगदन, आवाज आ रही है मेघा? संतोष गुप्ता। यस सर। पहली क्लास है तुम्हारी? नहीं सर। क्या पढ़ा है अभी तक? स्टार्टिंग से। हाँ हाँ, मतलब क्या पढ़ा है अभी तक, कितने टॉपिक पढ़े हैं आपने? तो वही RBI सब हुआ है, करेंसीज, ये लोन्स। RBI हो गया है? आपसे पूछ रहा हूँ, RBI हो गया है? हाँ सर।
आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कौन से एक्ट के तहत हमने किया है? आरबीआई 1934। वेरी गुड। और आरबीआई की हेडक्वार्टर हमने कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई कब किया? 1937। वेरी गुड। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया? 1979। हाँ जी, 1 जनवरी की जुलाई वो याद नहीं, पर 1979 न कोरे भाई 69 है। चलो ठीक है, ओके। थोड़ा सा किसी किसी को तो याद है। ओके, किसने मैसेज किया है? यूरो युक्ता, यूरो क्यों लिखा है आपने? करेंसी ऑफ इटली इज नॉट यूरो, इट्स अ यूरोपियन कंट्री, बट द करेंसी, पर्टिकुलर करेंसी इज लीरा, नॉट यूरो। ठीक है, चलो ओके। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली सबसे पहले तो कुछ करंट अफेयर्स, जो रिसेंटली हमने 26 जनवरी 2022 73rd रिपब्लिक डे मनाया है। तो हमेशा से रिपब्लिक डे के पूर्व संध्या पे बिफोर वन डे जो ईव होता है उसमें एक बड़ा अवार्ड का अनाउंसमेंट किया जाता है। ये अनाउंसमेंट हमेशा, ये अनाउंसमेंट कह लें या फिर ये अवार्ड जो दिया जाता है वो भारत के पहले नागरिक के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, नागरिक सम्मान है। यू तो सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है, लेकिन ये इतना बड़ा अवार्ड है कि इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हर एक साल ये अवार्ड नहीं दिए जाते हैं। और जब भी भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है तो किसी खास विशेष एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, ना कि 2-3-4 व्यक्ति को दिया जाता है। तो भारत रत्न को हम दरकिनार रखते हुए उस अवार्ड की बात करते हैं जो भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। हमेशा रिपब्लिक डे के एक दिन पहले इसका अनाउंसमेंट किया जाता है और आने वाले अप्रैल या मई के महीने में राष्ट्रपति इस अवार्ड को देते हैं। उस अवार्ड का नाम है पद्म अवार्ड। इस पद्म अवार्ड को भी फर्दर 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। जो सबसे बड़ी अवार्ड है ना, उसको नाम दिया जाता है पद्म विभूषण। उसके बाद की जो इकाई है, उसकी बात का जो आपका श्रेणी है, उसका नाम है पद्म भूषण। और सबसे निचला जो स्तर है पद्म में, उसका नाम है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 अवार्ड पद्म के अंदर आते हैं। 2022 के लिए जितने व्यक्तियों का चयन किया गया है इस अवार्ड के अंदर, वो टोटल नाम 128 है, 128 पद्म अवार्डी का अनाउंसमेंट किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि पद्म में 3 कैटेगरियां हैं, तो उसमें सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण है। तो इस बार भी पद्म विभूषण में जितने व्यक्तियों के अवार्ड के लिए हमने नाम चयनित और सिलेक्टिव किया है वो 4 नाम है। इस 4 में 3 ऐसे पर्सन हैं जिनका ऑलरेडी डेथ हो चुका है, पोस्टमॉर्टम हमने ये अवार्ड दिया है। एक वो है जिनका जो पोस्ट ही आपके 2019-20 में हमने क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पोस्ट का ही पहला बार चयन किया। और पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, हेलीकॉप्टर क्रैश में दिसंबर में उनका डेथ हुआ। नाम सभी को मालूम है, जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत को सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में हमने ये अवार्ड दिया है। देखिए, जनरली आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण, या फिर हु इज नॉट द विनर ऑफ पद्म भूषण। तो ऐसे करके आपसे ऑड मैन आउट, ऑड मैन इन पूछा जा सकता है। तो पद्म विभूषण 4 लोगों को हमने दिया है। टोटल पद्म का जो नंबर है वो 128 है। इस 128 में अभी तक हमने एक नाम बताया है जो पद्म विभूषण के अंदर आता है, नाम जनरल बिपिन रावत। किस क्षेत्र से है, कौन से फील्ड में वह अवार्ड दिया गया है, ये उस नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने नाम दिया सिविल सर्विसेज। दूसरा वो नाम जिसको हमने पद्म विभूषण दिया है
वो आपके कल्याण सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, तो उनको भी हमने पद्म विभूषण और समस्त मरणोपरांत ये उपाधि दिया है। तो दो तो आप नाम जान गए, चाहे वो कल्याण सिंह हो उत्तर प्रदेश से हैं, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में हमने अवार्ड दिया है ना, जो पब्लिक कॉन्टैक्ट होता है उस फील्ड के लिए जो अवार्ड दिया था उसको पब्लिक अफेयर्स कहते हैं। तो चूंकि ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जहाँ से पब्लिक कॉन्टैक्ट था, जहाँ से वो अवार्ड ही जिस फील्ड में दिया गया वो पब्लिक अफेयर्स का अवार्ड है। कल्याण सिंह एक नाम आपने जाना, दूसरा आपने जनरल बिपिन रावत का नाम जाना। ये दो ऐसे नाम है जिसको लगभग आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुना होगा। इस दो को छोड़ के दो ऐसे और नाम है जिसमें से एक को हमने आर्ट के फील्ड में दिया है, दूसरे को हमने लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में हमने अवार्ड दिया है। दोनों नाम अनसुना आपको लगेगा, दोनों नाम जब मैंने कभी नहीं सुना तो संभवतः आपने भी कभी नहीं सुना होगा, हो सकता है कभी देखा या पढ़ा होगा। तो दोनों नाम बहुत ही गंभीरता के साथ आपको याद रखने पड़ेंगे। और जनरली जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो पद्मश्री किसको मिला है ये कभी नहीं पूछा जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है कि 107 नाम आप याद कर सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, उस चार नाम जिसको हमने पद्म भूषण दिया है, वो 17 नाम जिसको हमने पद्म भूषण दिया है, ये 17 प्लस ये चार 21 नाम तो आपको हमेशा याद होने चाहिए जहां तक पद्म भूषण की बात है। कल्याण सिंह बिपिन रावत के बाद हम उस शख्सियत की ओर चलते हैं जिनको हमने पोस्थमस ये अवार्ड दिया है, राधेश्याम खेमा वो नाम है। ये एक मैगजीन आती है, एक पत्रिका आती थी, है ना, उसके बहुत दिन तक 38 इयर्स तक उसके ये एडिटर रहे, है ना, उसके ये चीफ रहे, है ना। तो आपका जो राधेश्याम खेमा है, लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में हमने ये अवार्ड दिया है, इसको भी आपको नाम याद रखना है। ये तीन वो नाम है जो पोस्थमस है, जो मरणोपरांत है। आपसे हो सकता है ये भी पूछा सकता है, Who is not the posthumous winner of Padma Vibhushan? तो ये तीन अभी तक जो हमने नाम लिया है, चाहे वो राधेश्याम खेमा का हो, चाहे वो बिपिन रावत का हो, चाहे वो कल्याण सिंह का हो, ये मरणोपरांत अवार्ड हैं। लेकिन एक विशेष व्यक्ति को, एक विशेष लेडी को हमने पद्म विभूषण दिया है, वो अभी तक लाइव है, है ना। कला के क्षेत्र से हमने ये अवार्ड दिया है, आर्ट के फील्ड में हमने ये अवार्ड दिया है ना, आपके म्यूजिक से रिलेटेड ये अवार्ड है, और नाम है प्रभा आत्रे। तो प्रभा आत्रे पोस्थमस अवार्ड नहीं है, जीवित है, 11 बुक इन्होंने लिखा है, बहुत सारे, इनको तो पद्म भूषण अवार्ड 2002 में हमने दिया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड हमने 1991 में दिया, तो ऑलरेडी कई अवार्ड की विनर ही रह चुकी हैं। 2022 के लिए हमने इनको पद्म विभूषण से नवाजा है, प्रभा आत्रे, उसके बाद राधेश्याम खेमा, उसके बाद आपका बिपिन सिंह रावत, और अंत में कल्याण सिंह। ये चार नाम आपको हमेशा जानने हैं, और फील्ड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखे हैं पद्म अवार्ड। देखिए, जब भी हम पद्म अवार्ड की बात करेंगे, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है क्या? पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, और तीसरा पद्म श्री। कितने अवार्ड हैं ये टोटल? टोटल अवार्ड 128 है। पद्म विभूषण कितने हैं? 4। पद्म भूषण कितने हैं? 17। और पद्मश्री कितने हैं? 107। अभी हम पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म भूषण भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा अवार्ड है। एक हमने किसमें दिया है? तो एक हमने आर्ट के फील्ड में दिया है, दूसरा लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में हमने दिया है, तीसरा सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में हमने अवार्ड दिया है, और चौथा पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में हमने अवार्ड दिया है। कौन है पहला? प्रभा आत्रे। दूसरा कौन है लिटरेचर वाला? नाम क्या है? राधे कृष्ण, राधे श्याम खेमा। तीसरा जनरल बिपिन रावत, और चौथा कल्याण सिंह, जिस पे भी मैंने स्टार मार्क लगाया है
वो पोस्ट समर्थ है, गोवर्ण उपरांत है, ये अभी तक लाइव है, लिखे फटाफट। सर वो थर्ड क्या लिखा है? जनरल बिपिन रावत सिविल सर्विसेज। जनरल बिपिन रावत है राइट? बिपिन सिंह रावत, एक्चुअली नाम बिपिन सिंह रावत है, तो सिंह लगा सकते हो। नहीं पहले जनरल लिखा है ना आपने वर्ड? हाँ जी, हाँ जी जनरल। सर वो राधेश्याम खेमा के सामने क्या लिखा है? लिटरेचर एंड एजुकेशन, जो फील्ड है वो लिटरेचर एंड एजुकेशन का फील्ड है। क्वेश्चन आपसे जिससे पूछे जाते हैं, Whosoever is a recipient in the field of civil services of Padma Bhushan, तो पता चला ये चार नाम याद है लेकिन उनका फील्ड ही नहीं याद है, तो फिर किसी काम का नहीं है। तो फील्ड इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द नेम ऑफ द अवार्डी। चलो आगे। यस सर। आज पहली क्लास किनकी है, नाम बताओ। कोई ऐसे हैं जिनकी आज पहली क्लास हो? गुड, बहुत दिनों के बाद ऐसी क्लास मिली है जिसमें कोई नए ना हो। सर आपने जो राधेश्याम जी का, जनरल बिपिन जी का बताया और कल्याण जी का बताया, मतलब अभी वो लाइव नहीं है राइट? कौन लाइव नहीं है? लाइव मतलब हाँ जिंदा नहीं है। इंच करेक्ट, डेथ हो चुका है उसका। ओके थैंक यू सर। चलिए अभी हम लिखेंगे कौन सा अवार्ड, तो पद्म भूषण। कितने लोगों को मिला है? 17 यस, लिखे पद्म भूषण। पद्म भूषण में एक वो अवार्ड है जो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री थे, है ना? नाम किसी को मालूम है? पद्म भूषण कितना? 17 पद्म भूषण। पहला जम्मू कश्मीर का एक्स सीएम, नाम गुलाम नबी आजाद। लिखे पहला गुलाम नबी आजाद। उसके साथ साथ एक और नाम लिखना है, नाम है बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। इन दोनों को पद्म विभूषण ने जिस फील्ड के अंदर हमें दिया है वो फील्ड का नाम है पब्लिक अफेयर्स। गुलाम नबी आजाद एंड बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, गुलाम हमने पब्लिक अफेयर्स के अंदर अवार्ड दिए हैं। तीसरा विक्टर बैनर्जी गुरमीत बावा और राशिद खान। सीरियल नंबर 4, सीरियल नंबर 5, जिस फील्ड में हमने ये अवार्ड दिए हैं वो है 8। इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, रट्टा मारना है आपको। अभी तो पढ़ के याद करना ही है, लेकिन हमेशा याद रखें 2023 से पहले जो भी एग्जाम होंगे
उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डेज एंड डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, उसी तर्ज पे हमेशा से एक क्वेश्चन आपके इस अवार्ड से पूछे जाते हैं, चाहे भारत किसको दिया, या फिर हमने पद्म अवार्ड किसको दिया है, सरस्वती सम्मान किसको दिया, व्यास सम्मान किसको दिया, है ना, तो ऐसे बहुत लिस्ट ऑफ अवार्ड है जो आपको याद रखना है। तो लिस्ट ऑफ अवार्ड की तो बात नहीं बता रहा हूं मैं कि सरस्वती सम्मान हमने किसको दिया या फिर नोबेल प्राइज हमने किसको दिया, लेकिन रिसेंट का जो अवार्ड विनर है उसका नाम मैं बता रहा हूं। तो ये तो नहीं कह सकता हूं कि आपके अवार्ड से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पद्म विभूषण या पद्म भूषण से ही पूछा जाएगा, लेकिन संभवतः प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि पद्म या फिर सरस्वती या फिर नोबेल या फिर भारत या फिर व्यास सम्मान जैसे बड़े सम्मान में से एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये पांच नाम पहले लिखे, चाहे वो रशीद खान का हो आर्ट के फील्ड में, चाहे वो गर्मीत बाबा का हो आर्ट के फील्ड में, चाहे वो विक्टर बैनर्जी का हो आर्ट के फील्ड में, या फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य का पब्लिक अफेयर्स में हो, या फिर गुलाम नबी आजाद का पब्लिक अफेयर्स में ही हो। सारे एग्जाम्स में होता है क्या ये क्वेश्चन? मतलब सब एसएससी में हो गया, बैंकिंग केस में हो गया, रेलवे में हो गया? नहीं, ये सिर्फ मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, वहां पे इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी और रेलवे की बात है तो संभवतः पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं। ओके, आप में से कितने लोग एसएससी रेलवे वाले हैं, जो नाम बताओ फटाफट। तो मैं एसएससी और रेलवे का ज्यादा मेरा फोकस है, ऐसे तो मैं बैंकिंग का भी एग्जाम दूंगी बट मेरा मेन फोकस एसएससी के ऊपर ही है। तो दीपाली हो गई, तेजल हो गई, और कौन है एसएससी रेलवे वाले, और कोई है एसएससी? कोई नहीं, सब बैंक में डूबना चाहते हैं। चलो थोड़ी सी बात एसएससी करेंगे, फटाफट लिखो, हो गया डन। ना पूछा जाए तो आप तो 3 दिन तक किसी को लिखते रहेंगे। चले कुछ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ओर जब चलेंगे तो ऐसे नाम हैं जो आपको आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, अगर आपने कुछ ना कुछ मैगजीन या टेलीविजन देखा है तो उन नामों को सुना होगा, चाहे वो सुंदर पिचाई का नाम हो, चाहे वो सत्यम नरेला का नाम हो, चाहे वो सारस पूनावाला का नाम हो, है ना, या सुमित्रा एला का नाम हो, कृष्णा एला का नाम हो, तो ये सब ऐसे नाम है जो किसी न किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सुंदर पिचाई आपके गूगल से हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट से आपके कौन से हैं, तो सत्यम नरेला है, आप इतनी वैक्सीन को हमने बनाया है पूनावाला है, ये सब ऐसे नाम है जो रिसर्च में आपने सुना है, उन नामों को 2022 के लिए हमने चुना है, पद्म भूषण के लिए चुना है, पद्म विभूषण के लिए नहीं। लिखें सत्य एंड नडेला, कौन है ये? सुंदर पिचाई, साइरस पूनावाला, सुचित्रा एला। सत्य नडेला इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। गूगल से देख लिया क्या? यस सर। वेरी गुड, इतना सही आंसर गूगल से ही आ सकता है। नटराजन चंद्रशेखर, इन पांच को हमने जिस फील्ड में अवार्ड दिया है वो फील्ड है ट्रेड एंड इंडस्ट्री। लिखे सर वो लास्ट में क्या लिखा है? चंद्र नटराजन चंद्रशेखर, आर ए एन है, चंद्रशेखर।
नटराजन चंद्र चंद्रशेखरन, CSANDRA, चंद्र हाँ और शेखरन, SEKARAN। ओके थैंक यू। डन। ट्रेड एंड इंडस्ट्री। एक ऐसा नाम है जो नाम पहले 1 रुपए के नोट पर साइन किया करता था। 1 रुपए के नोट पे गवर्नर ऑफ आरबीआई साइन करते हैं ना, कौन साइन करता है? टीवी सोमनाथन नहीं, फाइनेंशियल कौन साइन सेक्रेटरी, करता है वो पूछ रहा हूँ, पोस्ट का नाम पूछ रहा हूँ। फाइनेंशियल सेक्रेटरी, फाइनेंस फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है। वेरी गुड। तो पहले ये नाम फाइनेंस सेक्रेटरी था, बाद है राजीव महर्षि, होम अफेयर्स सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, आपके 13th जो CAG है, कंपोर्टर एंड ऑडिट जनरल, उसके चीफ रहे, यूएनओ के जो ऑडिटर हैं उसके ये क्या है, तो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, कई IAS है बेसिकली ये व्यक्ति। राजीव महर्षि लिखे, कितना नंबर का हो गया था? 11 ना। 11। राजीव महर्षि, एक ही अवार्ड है, सिविल सर्विसेज, बहुत बड़ा नाम है राजीव महर्षि का। 13 प्रतिभा रे स्वामी सच्चिदानंद विशिष्ट त्रिपाठी, लिटरेचर एंड एजुकेशन, 13, 14, 15, 16, मधुर जेफरी, संजय राजा राम। तो विष्टि त्रिपाठी क्या है? विशिष्ट अरविंद विशिष्ट, VISSISTS, विशिष्ट त्रिपाठी। इन तीन को हमने लिटरेचर एजुकेशन में दिया है, और ये मधुर जैपड़े और संजय राजाराम को हमने साइंस इंजीनियरिंग के फील्ड में पद्म भूषण के लिए चुना है। सर वो स्वामी पूरा क्या है? स्वामी सचिदानंद, SASSI DANAND। अरे हमारा राइटिंग ही क्या सर कर वो सकते हैं। त्रिपाठी, त्रिपाठी है ना? हाँ त्रिपाठी पंडित जी हैं, पंडित जी का नाम लिखो, त्रिपाठी, विशिष्ट त्रिपाठी। मैं मंदारी लैंग्वेज में लिखता हूँ, आप लोगों को समझ में आया था, यही बहुत बड़ी बड़ी बात है। मंदारिन ब्रुसेल्स का लैंग्वेज है, तो ये तो मालूम तो होगा। साइंस एंड ड्रग्स लिखा है आपने? मंदारिन कहाँ का लैंग्वेज है? बेल्जियम का है, इतना मालूम है। अरे मंदारिन इज लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? आप लोगों से पूछ रहा हूं, कुछ ना कुछ लोग तो गूगल कर रहे होंगे, तो गूगल से मिल जाए तो मेरे को बताओ, मैं भी भूल गया हूँ। सर वो साइड में क्या लिखा है? अच्छा साइंस एंड इंजीनियरिंग, चाइनीज का ऑफिशियल लैंग्वेज इतना देर में नेट स्लो है क्या? अच्छा है, तो चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज चाइना का करेंसी क्या है मैडम?
चाइना का करेंसी? टाइम लगेगा थोड़ा सा, बफर करता है ना गूगल, तो उसमें टाइम लगेगा। तो टाइम लास्ट क्लास हमने पढ़ाया है युआन रेनमिनबी, रेनमिनबी आर ई एन एम आई एन बी आर एन बी युआन वाई यू ए एन। वही तो कहा लास्ट लास्ट क्लास हमने युआन की बात चाइना के साथ की है, येन की बात हमने जापान के साथ की है, रेन की बात हमने साउथ अफ्रीका के साथ की है। कैसे याद रहेगा, कैसे काम चलेगा, नैया कैसे पार लगेगी? ओके आप में से कितने लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं? तो भगवान की दया से मैंने कोविड सेंटर में काम करने के बाद भी मुझे कोरोना नहीं हुआ। वाह अच्छी बात है। और कितने लोग हो चुके हैं? मेरा क्वेश्चन ही कोई नहीं सुनता, मैं पूछता हूँ क्या? इंटरव्यू में इन्हीं बातों पे ध्यान दिया जाता है। मैंने अभी क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। कोई नहीं, इतना स्वस्थ है मुंबई, कमाल। सर आपकी दया है, आपकी दुआ है, तो हम तो सुखी रहेंगे, ये और क्या। देखो दुआ अगर ऐसी रहती तो मैं 6 दिनों से घर में बैठा हुआ हूँ और संभवतः आज कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी पॉजिटिव था और इस कारण से मेरी बैंक 2 दिन बंद थी। आज ठीक हूँ, संभवतः कल से ज्वाइन करूंगा, देखता हूँ अगर ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक रहा तो। थोड़ी सी कमजोरी है बट फिर भी आज की क्लास मैंने इस कारण शेड्यूल की क्योंकि सुबह में क्या होता है कि आपको अगर पढ़ाना है तो थोड़ा सा फ्रेश होना पड़ता है, नहीं तो क्या वो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एक बार आपकी पीसीआर आ गया तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया। तो कुछ हुआ नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ एक ही दिन बदन दर्द और बुखार था, उसके बाद तो मुझे लगा कि ये तो बुखार से भी गया गुजरा वायरस है। तो भगवान के दया से मैं तो बाहर निकल गया। आप लोग थोड़ा सा केयर रखें। ओके हमने लास्ट क्लास बातें की थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर। बोलिए कौन बोल रहा है, किसी ने कुछ पूछा क्या? हमने लास्ट क्लास बातें की थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसकी हेडक्वार्टर की, अलग अलग नाम हमने आपको बताए थे, चाहे वो नाम AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का हो, चाहे वो नाम SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हो। दोनों का हेडक्वार्टर हमने चाइना के बीजिंग में लगा था। 5 देशों को द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर हमने चाइना में दबा था लेकिन संघाई में था। उसके साथ साथ हमने चाहे वो UNO हो या फिर आपका नाम हो, इनका हेडक्वार्टर हमने न्यूयॉर्क में डाला। जनेवा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, ILO हो, WTO हो, WHO हो, है ना, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस हो, ISO हो, सबका हेडक्वार्टर हमने जनेवा में डाला था। OPEC का हेडक्वार्टर हमने वियना में डाला था। तो ऐसे कई हेडक्वार्टर का नाम हमने एक नाइकी के साथ जुड़ के लास्ट क्लास में आपको बताया था। वहीं पे ये भी बात की थी कि इसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हमने विशेष रूप से देखना पड़ेगा कि इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर क्या है, इनका एम क्या है, या फिर इसमें कुछ खास बातें हैं तो भी हमें देखना पड़ेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन इनका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1945 डेट इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24th of October 1945 को न्यूयॉर्क में किया। 193 उसके मेंबर हैं, नाम UNO का है। वन बाय वन करके छोटे से समय में हम कोशिश करेंगे कि वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक बार देख लें कि क्या है उसमें खास बातें। UNO का एस्टैब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 24 अक्टूबर को हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया है। कहाँ पे किया है? न्यूयॉर्क में किया है। कितने मेंबर हैं इस पूरे एसोसिएशन में? देर आर टोटल 193 मेंबर, 193 मेंबर इस बड़े जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर हैं। चीफ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुर्तगाल के आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उसको अभी हमने आपके UNO का चीफ बनाया है, नाम है एंटोनियो गुटेरेस।
गुटारिस का नाम आपको जानना पड़ेगा। इस यूएनओ में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो। तो 5 परमानेंट मेंबर, बाकी तमाम नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इस यूएनओ में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 6 है। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। और यही क्वेश्चन बार बार आप एग्जाम में पूछा गया है कि यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। अगर आपसे पूछा जाए, नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपसे अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, तो आंसर क्या देंगे आप? इंग्लिश, हिंदी और कुछ है? ना तो इंग्लिश होगा, इंग्लिश होगा ना, इंग्लिश। ना तो इंग्लिश सबसे ज्यादा बोला जाता है, ना तो हिंदी बोला जाता है। द लैंग्वेज जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले की थी मैंने कि मैं तो मैंडारिन में लिखा करता हूँ, तो मैंडारिन जो चाइना की लैंग्वेज है वही सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। तो आप जाने कि ये जो यूएनओ है, इस यूएनओ में 6 आपकी क्या है तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैं हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात बोल रहा हूँ। वो कौन कौन सी है? वो इंग्लिश है, वो फ्रेंच है, वो रशियन है, वो स्पेनिश है, एक और कोई है तो देखना पड़ेगा कौन सा है। तो ये ऐसे नाम है जो आपकी यूएनओ के साथ आपको याद रखने हैं। खासकर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर 193, चीफ ऑफ यूएनओ एंटोनियो गुटेरेस एंड एस्टैब्लिशमेंट डेट 1945 इज ओके, बट डेट ऑफ यूएनओ। पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2 ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डेट आपको याद रखना है, एक तो WTO जिसका डेट 1 जनवरी 1995 का है, और दूसरा यूएनओ जिसका 24 अक्टूबर 1945 का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूएनओ। यूएनओ हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है ना, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। चलो इतना तो बात याद है। HQ न्यूयॉर्क। मेंबर कितने हैं? 193। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर थे और बाद में इनको हमने बनाया है, नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ANTI एंटोनियो गुटेरेस। एम क्या है? एम इंटरनेशनल पीस एंड सेविंग ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं हम? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं? टेंथ ऑफ दिसंबर कब मनाते हैं? अरे बोलो कुछ डेट याद करो। ह्यूमन राइट्स डे हमेशा से हम 10th ऑफ दिसंबर को मनाते हैं। किसान दिवस कब मनाते हैं? 25th ऑफ दिसंबर को मनाते हैं। NRI डे कब मनाते हैं? 9th ऑफ जैन को मनाते हैं। महात्मा गांधी का मृत्यु कब मनाते हैं? शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी मनाते हैं। अभी मनाने वाले हैं। आज कौन सा दिन है?
30 जाने वाले। यस सर आज ही है जी। मनाओ फिर, क्लास बंद करो, मनाओ महात्मा गांधी का जन्मदिन, सत्ता और अहिंसा। महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाते हैं? 2nd अक्टूबर। नॉन वायलेंस डे उसको कहते हैं। पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? 11th ऑफ जुलाई। वुमेन्स डे कब मनाते हैं? 8 मार्च। 8 मार्च। ओजोन डे कब मनाते हैं? फूड डे कब मनाते हैं? तो ऐसे याद रखना पड़ेगा, 16th ऑफ सितंबर, 16th ऑफ अक्टूबर, ऐसे हम ओजोन डे, फूड डे मनाते हैं। काम करो, काम काम कीजिएगा, इनाम मिलेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा सब नया लग रहा है। परमानेंट मेंबर बोलो। एंटोनियो गोपाल जी, यू क्या लिखा आपने? गुटारिस, GUTA, गुटा, RIS, चाइना, रशिया, फ्रांस, US और UK। दिख रहा है कि नहीं? इंटरनेशनल के बाद क्या लिखा है? इंटरनेशनल पीस, विश्व शांति एंड सेविंग ह्यूमन राइट, PEA। PEA लिखा है क्या? हाँ, पीस, पीस, PAC, पीस। सर एंटोनियो आगे क्या लिखा है? एंटोनियो गुटारेस, GUTA, RIS, गुटारेस। RIS है कि RIS है? GUTA, RIS, ऐसे लिखता हूँ, GUTA, RIS, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है? तो लिखो इंग्लिश, चाइनीज, अरबिक, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। Done. Yes, sir. अभी तक 3 विश्व युद्ध हुए हैं, सही है गलत? अभी तक 3 वर्ल्ड वार हुए हैं, सही क्या गलत? नो सर, ओनली 2 हुए। 2 हुए हैं, कब कब हुए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 को खत्म हुआ। थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने के लिए वो UNO एस्टेब्लिश किया है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मेरे क्वेश्चन के
सामने रफिंग सेंसेस गया थे, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। ज्यादा हम जानते हैं, ज्यादा खाने के बाद क्या होता है ना, वोमिटिंग हो जाता है ना। तो अपना जितने भी आप लोग हैं, ना कि सिर्फ जो मैडम ने बोला है उनके बारे में कह रहा हूं मैं, कि जब भी कोई भी, चाहे मैं हूं या कोई भी इंसान हो, जो क्वेश्चन वो पूछता है, जब भी आपसे बड़ा हो, आपके फ्रेंड्स पूछ रहे चलता है, आपसे बड़ा हो, तो एक सही व्यक्तित्व वही कहलाता है कि उसी के लाइन में हम उसका आंसर दें। और खासकर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको मालूम है कि संभवतः ऑफिसर लेवल के लिए आप जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में हम क्यों बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए किसी व्यक्ति को? हम योग्यता देखने के लिए बुलाते नहीं है, वो योग्यता, वो जो टेम्परामेंट है, वो तो ऑलरेडी आपके जो रिटन एग्जामिनेशन है उसी से पता चल जाता है कि 100 में अगर 80 मार्क्स आया है तो बच्चा कैसा होगा। सिर्फ ये देखने के लिए बुलाया जाता है कि उसकी व्यक्तित्व कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी सिर्फ ये नहीं होता है कि बिल्कुल 6 फीट का हो, बिल्कुल गोरा हो, चिट्टा हो, है ना, ऐसा नहीं। पर्सनैलिटी बहुत चीजों को मिला के देखी जाती है। तो इंटरव्यू में ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसकी तैयारी एक दिन में कोई कर ही नहीं सकता है। कोई अगर चाहे कि मैं रातों रात अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा से एक बात ध्यान में रखें, मैं कोई भारत में अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड दे तो नहीं रहा हूं, लेकिन हमेशा से एक चीज ध्यान में रखना है कि जितना पूछा जाता है संभवतः उसी दायरे में रख के आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है ना। आपके आस पड़ोस अगर कोई बैंक में होगा तो उनको बोलिएगा कि CBO सर्कल बेस ऑफिसर का पोस्ट निकला हुआ है ना, SBI की सर्कल बेस ऑफिसर की पोस्ट आई है। वो पोस्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कम से कम 2 साल किसी दूसरे बैंक में काम कर चुके हैं। तो ऐसे कोई स्टूडेंट हो तो जरूर मेरा रेफरेंस दीजिए कि CBO के लिए आपको जानना है, या फिर IBPS PO में अगर सिलेक्शन हुआ है तो भी आने वाले दिनों में उनका इंटरव्यू है ना, तो उन्हें भी बताएं कि इंटरव्यू के लिए करना क्या है। अभी तक 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, वर्ल्ड वार पहला, वर्ल्ड वार दूसरा। पहला वर्ल्ड वार 1914 में शुरुआत हुआ था, उस समय महात्मा गांधी, संभवतः SSC रेलवे वाले जानते होंगे कि महात्मा गांधी हमारे इंडिया में साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से 1915 में आए थे। किसी को मालूम है? SSC वाली क्या नाम है उसका, नाम गीता, गीता ही नाम था, क्या नाम था आपका? हाँ दीपाली सर। हाँ दीपाली, पढ़ा है इंडियन पॉलिटी क्या सर? इंडियन पॉलिटी पढ़ा है क्या? नहीं सर अभी नहीं पढ़ा है। तो क्या पढ़ा है BS में सर? एक्चुअली मैंने मुझे ज्यादा नहीं, 1 month ही हुआ ज्वाइनिंग किए हुए और उसमें भी है ना सिर्फ 20 days ही जा पाई थी, बिकॉज बीच में मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो सिर पे चोट लग गई थी और बहुत ज्यादा ब्लड निकला था, तो 1 हफ्ते मैं क्लासेस ही नहीं जा पाई। तो अभी 3 दिन से फिर से कंटिन्यू स्टार्ट किया है, आज भी लेक्चर अटेंड करके आई हूँ मॉर्निंग में बोले भी बैच बैच का। किस लेक्चर अटेंड करके आई हो? GS का। GS में किस चीज का? ये इंटरनेशनल के ऊपर सर ने सिखाया था, इंटरनेशनल के वो बताए थे जो आपने उस दिन सिखाया था ना लास्ट लेक्चर में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो सारी चीजें ठीक है। और फिर टेस्ट भी था पॉलिटी इसका, एशियन हिस्ट्री का, तो वो अटेंड किया, पढ़ा कुछ नहीं था बट अटेंड तो कर दिया है। एंशियंट हिस्ट्री में क्या टॉपिक था? टेस्ट था ठीक है। अभी तक 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, वर्ल्ड वार पहला, वर्ल्ड वार दूसरा। पहली वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई वो 1914 में था और 1919 में 5 साल में जाके ये खत्म हो गया। दूसरा जो वर्ल्ड वार था, चूंकि 1914 से लेकर 1919 तक हम खुद गुलाम थे, तो इंडिया को बिना किसी से पूछे ही वर्ल्ड वार में डाल दिया गया था। ये इंटरनेशनल हिस्ट्री की बातें हैं, वहां पर बताऊंगा। दूसरा वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1939 में हुई, से लेकर 1945 जब तक हमने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को रिस्पेक्टिव हिरोशिमा और नागासाकी पे बम नहीं गिराए, तब तक आपका ये वर्ल्ड वॉर चलता रहा। तो इस वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने से कुछ दिन पहले एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया गया, उस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस।
ध्यान से इस नाम को सुने कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये नाम था, ब्रिटेन वुड्स जगह है, जो जगह आपकी वाशिंगटन में है। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस किया गया, इस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि पूरे विश्व में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ देश जो पिछड़े हैं वो ज्यादा ही पिछड़ते जा रहे हैं, कुछ देश जो आगे हैं वो और आगे आप जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की गई, और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई। कि स्टेबिलिटी का मतलब फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर के हिसाब से रुपया आपका 70-73 है, तो ये गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक ये गैप ज्यादा रहेगा तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तब तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, इस दोनों को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन उस सम्मेलन में एक फैसला दिया गया, जिस फैसले के आधार पर दो बच्चे का जन्म हुआ। एक बच्चे का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, दूसरे बच्चे का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। एक बच्चा काम करेगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, एक दूसरा बच्चा जो है वो काम करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे। नाम जो स्टेबिलिटी वाला है उसका नाम हमने दिया IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और दूसरा जो डेवलपमेंट के लिए काम करेगा स्वाभाविक सी बात है वो बैंक होगा, तो नाम दिया हमने वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का एस्टैब्लिशमेंट 1945 में हुआ, दोनों के हेडक्वार्टर आपके वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक चूंकि पैसा देता है, लोन देता है, इस कारण से वो डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। IMF, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करेगा। तो ये है आपके ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ए रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, या पूछा जाता है कि व्हेन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस, 1944 पूछा जाता है एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ आपका वर्ल्ड बैंक या IMF या हेडक्वार्टर, तो आप दोनों जान गए। अभी बात आती है कि उसके आपके चीफ की। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है उसके जो चीफ है उनका नाम है डेविड मालपास। नाम तो थोड़ा सा अंग्रेज टाइप का ही रहेगा क्योंकि हिंदुस्तानी नहीं है, इस कारण से नाम ऐसे भी आपको याद रखना है। तो डेविड मालपास आपके वर्ल्ड बैंक के क्या है, तो चीफ है। और क्रिस्टिनानव गुलजारिया चीफ ऑफ IMF। अभी तक जितनी भी बात मैंने बताई वो सारी बात आप भूल गए चलेगा, लेकिन अभी जो बात बताया जा रहा हूं उस बात को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको याद रखना है कि SDR फुल फॉर्म इज स्पेशल ड्राइंग राइट, ये कौन मेंटेन करता है। तो SDR इज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितनी भी अलग अलग करेंसी है उसको रिजर्व करना IMF का काम है, और इस रिजर्व को जो नाम दिया जाता है वो आपका SDR है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मतलब मैंने तो कहा ही ना आज क्लास में सारी बात आप भूल जाओ, बिपिन रावत का नाम भूल जाओ, प्रभा आपते का नाम भूल जाओ, राजेश सिन्हा का नाम आप भूल जाओ, या फिर कल्याण सिंह जैसे बड़े पद्म विभूषण विनर का नाम आप भूल जाओ, बट SDR स्पेशल ड्राइंग राइट उसका फुल फॉर्म है और कौन मेंटेन करता है उस IMF का नाम आपको भूलना नहीं है, जो IMF ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से निकला हुआ एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 1945 में हमने किया, वॉशिंगटन डीसी में है। क्रिस्टिना जॉर्जियो इज चीफ ऑफ दिस IMF व्हिच वर्क्स ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड देयर आर टोटल 190 मेंबर, 190 मेंबर IMF के हैं, 189 मेंबर वर्ल्ड बैंक के हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों को ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुआ, 1944 में हुआ। यहां पे दो संतानों का जन्म हुआ, एक को हमने दिया नाम वर्ल्ड बैंक, दूसरे का नाम क्या दिया, IMF की फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना, सर लिख दीजिए। IMF का फुल फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में लिखा था, याद है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, नाम याद है या फिर अजूबा लग रहा है, याद है सर। इंटरनेशनल
बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कम से कम चार बार इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है IDBI का, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये भी 1945। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, इसकी भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। मेंबर कितने हैं? 190। यहाँ पे मेंबर कितने हैं? एक कम, 189। इतनी बात लिखो फिर आगे चलते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक के तीन पिलर हैं, IBRD, IDA और IFC। IBRD का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये री है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इन तीनों का वॉशिंगटन डीसी WDC ना सर? हाँ, WDC का मतलब क्या है? वॉशिंगटन ना सर? हाँ, वॉशिंगटन डीसी। हाँ सर, वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सर ये 190 मेंबर्स किसमें हैं? ये सेकंड वाले में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नहीं नहीं टोटल मेंबर इन IMF 190, टोटल मेंबर इन वर्ल्ड बैंक नॉट IBRD, मतलब तीनों के लिए कितने मेंबर हैं? ओके कितने का मिला के हैं? ओके समझा, वर्ल्ड बैंक में 189, IMF में 190। और ये डेविड मालपास जो लिखा है वो IMF का है राइट? डेबिट मालपास IMF किधर है? किस खाने में लिखा है मैंने मालपास का नाम? मैंने किस कॉलम में लिखा है? वर्ल्ड बैंक में। फिर तो फिर वर्ल्ड तो मेंबर्स का फिर से रिपीट। क्रिस्टिना जॉर्जी जीवा, ये IMF की चीफ है, बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिशमेंट 1945, IMF एस्टैब्लिशमेंट 1945। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी, हेडक्वार्टर ऑफ IMF वॉशिंगटन डीसी। टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन वर्ल्ड बैंक 189, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन IMF 190। चीफ ऑफ IMF क्रिस्टिना जॉर्जीवा एंड चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक डेविड मालपास। ओनली हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर थ्री पिलर ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसको आपको अलग लिखना पड़ेगा। देयर आर थ्री पिलर ऑफ वर्ल्ड बैंक, IBRD, IDA एंड IFC, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू पेन डाउन द फुल फॉर्म ऑफ दीस थ्री पिलर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। That is, one is the IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, IDA, International Development Association, IFC, International Finance Corporation. So, ये दोनों चीफ हैं ना लास्ट में? Yes, yes, दोनों चीफ हैं। KRISFALIMA right? कौन सा? हाँ, KRISPA T है, ये T है, क्रिस्टेलिना। क्रिस्टेलिना जॉर्जीविया।
और एक लाख बार अंडरलाइन करके लिखेंगे SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट मेंटेन बाय IMF. बहुत इंपॉर्टेंट है SDR, वो लिखे SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट मेंटेन बाय IMF. ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो ये समझा नहीं सर जो आप लिखे. ठीक है पहले लिख लो फिर समझाता हूँ. सर आपने SDR के नीचे SPI लिखा है. SDR के नीचे SPI लिखा है. SDR के नीचे स्पेशल SPL लिखा है. SPL है हाँ वो स्पेशल है. स्पेशल ड्रॉइंग राइट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. वो SDR है क्या? खाली SDR. SDR का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है. SDR, S फॉर स्पेशल, D फॉर ड्रॉइंग, R फॉर राइट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व maintained by international foreign. SDR is a foreign exchange reserve maintained by IMF. चलो आगे. कुछ छूट गया? हुआ क्या? हाँ सर. ओके रिया तुम्हारी पहली क्लास है? रिया आयारे बोरी वाली? नो सर. ओके हर तो तैयारी कैसे चल रही है तुम्हारी? हर साल आवाज आ रही है? ओके ठीक है. देखिए ऑर्गेनाइजेशन तो हमें और भी पढ़ाना था, WTO या SAARC या फिर ACR, लेकिन ये सब अब तो आज पढ़ा नहीं पाऊंगा ना. ना नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करूंगा इस आधे अधूरे टॉपिक को. थोड़ी सी बात मैं SSC और बैंकिंग के सर्विसेज पे कर देता हूँ. बैंक में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ग्रोथ भी बहुत अच्छा है. आवाज आ रही है मेरे सबको? हाँ सर. यस सर. देखिए बैंक और SSC में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे कि सर कहाँ जाऊं, तो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ. दोनों के अपने अपने क्या है, तो अच्छे और बुरे बातें हैं. उसमें यह है कि बैंक में ग्रोथ बहुत अच्छा है,
है ना, आप अगर असिस्टेंट के रूप में भी लगते हैं और ऊपर पहुंचने की क्षमता अगर आप में है तो 10-15 साल में आप किसी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर या उसके ऊपर तक भी जा सकते हैं। तो बैंक में ऐसी ग्रोथ सिस्टम है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत है, मतलब किसी से पैरवी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चलते रहे, जितने भी एग्जाम से इंटरनेशनल जो इंटरनल एग्जाम हुआ वो देते रहे तो अपने आप आप बढ़ते चले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ। एसएससी में क्या है कि थोड़ा सा वहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत कम है ना, क्योंकि वो एक्सपेंशन तो होता नहीं, बैक ऑफिस है वो, तो उसका ऐसा नहीं है कि नई ब्रांच खुलेगी तो नया अपॉर्चुनिटी आएगा, नए वाले ऊपर चले जाएंगे फिर पुराने वाले को जगह मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैक ऑफिस है, दायरा सीमित है, इस कारण से क्लर्कियर के रूप में आपने लगे हैं तो कई साल तक क्लर्क के रूप में रहना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ कम है। जहाँ पे पब्लिक प्रेशर की बात है तो लाजमी आप है समझ सकते हैं कि पब्लिक प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा। एसएससी में पब्लिक ओरिएंटेड तो बहुत रेयर ऑफिस है जो पब्लिक डीलिंग करती है, रेयर ऑफिस है। बैंक में आप जान सकते हैं, बैंक में आप जाते हैं तो खुद से आप देखते हैं कि पब्लिक प्रेशर कितना होता है, खासकर आप किसी बड़े नेशनलाइज बैंक से अगर चले गए, आप SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, तो उसमें आप पब्लिक डीलिंग देख सकते हैं, है ना, कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, यहाँ कंप्लेन करेंगे वहाँ कंप्लेन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा पब्लिक प्रेशर ज्यादा रहता है। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक में जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी, एसएससी वाले सैलरी से आधी सैलरी आपको मिलेगी। क्लर्क में भी आप जाएंगे तो आपकी शुरुआत 21,000 से होगी, जबकि एसएससी की क्लर्क में आप लगेंगे तो आपकी सैलरी लगभग 35,000 रुपये होगी, है ना। तो बैंक किसी ऐसा नहीं कि 11th पे कमीशन के अंदर आता है या 7th पे कमीशन के अंदर बैंक काम कर रहा, नहीं, बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, बैंक की खुद की पे कमीशन है। इस कारण से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनमें 7th पे कमीशन लग रहा है, बैंक की अपनी पे कमीशन है, 12th बाईपार्टाइट कमीशन बैंक में चल रहा है। तो सैलरी के हिसाब से अगर देखें तो बैंक में सैलरी कम है एसएससी के मुकाबले। सुकून की अगर बात करें तो एसएससी का जो भी जॉब है, चाहे वो कैट का हो, इनकम टैक्स का हो, कस्टम का हो, है ना, तो उसका जो वर्क प्रेशर है वो लगभग ना के बराबर है, तो थोड़ा सा वर्क प्रेशर लगभग ना के बराबर है, बैंकों की तो बात आप जानते हैं। यहाँ पे पहुंचने की अगर बात करें तो पब्लिक प्रेशर ज्यादा है, लेकिन उसके लिए काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो बैंक में पहुंचना आसान है, रदर एसएससी में पहुंचना, बैंक में आपने अगर सही ढंग से 6 से 8 महीने काम किया है तो आप बैंक के पार्ट हो सकते हैं। एसएससी रेलवे के लिए 1 साल मिनिमम बहुत अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा, मैं मिनिमम की बात बोल रहा हूँ, 1 साल मिनिमम बहुत अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा, और सिलेबस बड़ा है एसएससी की जो सिलेबस है उसका कंपैरिजन अगर बैंक की सिलेबस से हम करते हैं तो लगभग 2.5 गुना है। 2.5 गुना के नजरिए से अगर देखें तो एसएससी में एडिशनल जो जुड़ जाता है वो है जीएस, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री पढ़ने पड़ते हैं, आपको ज्योग्राफी पढ़ने पड़ते हैं, आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ने पड़ते हैं, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, आपको फिजिक्स पढ़ने पड़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। बैंक में ऐसा नहीं, बैंक में करंट अफेयर्स पढ़िए, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पढ़िए, मैथ रीजनिंग इंग्लिश बनाइए, काम खत्म। लेकिन एसएससी में आपको ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सिलेबस की अगर बात करते हैं तो एसएससी का थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, बैंक का थोड़ा सा नैरो सिलेबस है। एक सही डायरेक्शन में आपने अगर काम किया तो बैंक के अंदर आप 6 से 8 महीने 1 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये है आपके दोनों पिलर, दोनों पिलर का मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, क्योंकि इस दोनों पिलर के लिए मैंने तैयारी किया। जब मैं तैयारी किया करता था 2008-09 में तो मैं भी कभी बैंक के लिए काम नहीं किया था, मुझे बैंक में जाना है ऐसा सोच के मैंने कभी तैयारी नहीं किया। मैं भी तैयारी PCS एग्जाम से के लिए करता था कि चलो कहीं ना कहीं, क्योंकि बिहार वगैरह में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे सिर्फ लोग एक ही चीज़ देखते हैं कि बनना है तो डायरेक्ट IAS, ना तो फिर जाने दो। तो सपना संभवतः वही था, लेकिन सपना वो सपना ही रह गया, है ना। तो तैयारी मैंने भी उसी एग्जाम से के लिए किया था, लेकिन संभवतः कुछ ऐसे आउटब्रेक आते चले गए जिस कारण से आज किसी कमीशन का तो भाग नहीं हो पाया, लेकिन आज बैंक में एक अच्छे पोजिशन से बैठा हुआ हूँ। तो ये है आपका डायग्राम, ये है आपका फ्रेम, इस फ्रेम में अपने आप को आप देखिए कि किधर ढाल सकते हैं,
अगर समय है तो मैं सजेस्ट करूंगा गोविंद एसएससी, अगर समय कम है या जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, एक सही दायरे में काम करते हैं तो बैंक भी बहुत अच्छा प्रोफाइल है। मैं तो कहा ना कि अपॉर्चुनिटी बैंक में बहुत है, मतलब आप में अगर लगन है और अगर आगे बढ़ने का तमन्ना है तो बैंक में आपका ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने ऊपर के बॉस को कुछ कहना है, सुनाना है या फिर कुछ घूस सिस्टम चलता है, बिल्कुल नहीं है। एग्जाम दीजिए, ऑटोमेटिक आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिस लेवल के लिए आप बने हुए। तो ये दोनों की दायरे हैं, दोनों की दायरे में एसएससी वाले को थोड़ा सा जीएस बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए। एंशियंट हिस्ट्री में ही आपके अगर सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है तो वो याद होना चाहिए कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल बनावली कालीबंगा क्या है। वैदिक सिविलाइजेशन आपको याद होना चाहिए कि वेद कितने हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, वेदांत क्या है, वेदांत क्या है, ऋग्वेद क्या है ना। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म आपको याद होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में 580 में हुआ था। तो ऐसी कई बातें हैं, महावीर के बारे में आपको याद होना चाहिए, प्री मौर्य याद होना चाहिए, मौर्य डायनेस्टी याद होना चाहिए, पोस्ट मौर्य याद होना चाहिए, गुप्त डायनेस्टी याद होना चाहिए। तो कई ऐसे बिंदु हैं जहाँ पे बहुत गंभीरता के साथ आपको एसएससी के लिए काम करना पड़ेगा। बैंक में अगर गंभीरता नहीं भी दिखाए आने वाले दिनों में, 2 महीने में ही सिर्फ वो डबल इंजन का आपने फिर से लगा दिया तो बैंक का नहीं आपको पास हो जाएगा। ये दोनों आपके दायरे थे, दोनों आयाम था, इस आयाम में देखें अपने आप को आप कहाँ ढाल सकते हैं और उसके लिए काम करें, है ना। अपने क्षमता को पहले आके कि मैं मेरा क्षमता क्या है, सर ने जो बताया उस क्षमता के लिए मैं कहाँ पर बैठ रहा हूँ, है ना, तो उसके आधार पर आप काम कर सकते हैं। बड़ा सोचेंगे छोटा जरूर मिल जाएगा, लेकिन शुरुआत ही आप करेंगे कि मैं बैंक क्लर्क बन जाऊँ तो फिर मजा नहीं। तो थोड़ा सा ऊपर सोच लो, कम से कम आरबीआई, ना आरबीआई तो एसबीआई, ना एसबीआई तो आईसीएस, है ना। लेकिन पहले ही सोचेंगे किस बैंक में चला जाऊं तो फिर चलता नहीं है, तो थिंक बिगर। तो शायद से समथिंग, हेलो बोलिए। सर बेसिकली ना मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बैंक ही था इन आरबीआई, आरबीआई और एसबीआई में, बट मुझे किसी ने गाइड किया कि भाई आप जब मेहनत कर ही रहे हो तो और थोड़ा सा मेहनत करके आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन करो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सीबीआई डिपार्टमेंट हो गया, मेन वो मुझे फोकस दिया गया। बट मेरा अभी, मैं अभी जिस बेसिस पे मैं स्टडीज कर रही हूँ ना, उस बेसिस पे मेरा ये है कि पहले मुझे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक टैग मिल जाना चाहिए, वो किसी में भी मिले doesn't matter for me. After that, अगर मुझे बैंक में मिल जाता तो ठीक है, बैंक में भी मिल गया तो भी फिर भी मैं still I will try my best for, जैसे आपने बताया कि ढाई गुना एग्जाम, ढाई गुना स्टडीज लग जाती है इन एसएससी में, तो मुझे हो सकता है शायद एक साल और ज्यादा लगे, बट मैं फिर एसएससी का स्टडीज में ही छोड़ूंगी, मेरा ऐसा थिंकिंग मैंने बना के रखा है फिलहाल। क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब आपने जिस बेसिस पर भी मुझे मतलब आपने सबको समझाया कि इसमें जो जैसे सीबीआई डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इसमें सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता, पोजीशन इंक्रीमेंट नहीं होता, क्या नहीं होता, मतलब मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आपका बस। नहीं, सब इंक्रीमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट हर एक, कोई भी जो जिस जॉब में आप रहेंगे वहाँ पर ईयर ईयर इंक्रीमेंट होता है। लेकिन जैसे बैंकों में क्या है कि 3 साल में ही आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, दूसरे पोस्ट से तीसरी पोस्ट में जा सकते हैं, वैसा आपके मतलब एसएससी एग्जामिनेशन में नहीं होता है। वहाँ पे 10 साल 15 साल आपको एक ही जगह पर रहना पड़ता है। तो ये है थोड़ा, तो वहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कम है तो पब्लिक प्रेशर भी कम है ना, तो इतनी बात है। मैं अगर पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बेस्ट क्या होगा फिर? मैंने बताया ना कि पैसे एसएससी के तुलना में बैंक वाले को आधे मिलते हैं। हाँ। क्योंकि क्योंकि एसएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्था होता है, बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है। बैंक का अपना पे कमीशन होता है, अपनी अलग सैलरी का स्ट्रक्चर होता है बैंकों का। तो बैंक में अगर क्लर्किल के रूप में आप जाएंगे तो 30,000 रुपये मिलेगा, वहीं एसएससी में क्लर्किल के रूप में आप जाएंगे तो 35 से लेकर 38,000 तक आपको मिलेगा। ये डिफरेंस होता है ना।
और फिर लेफ्ट मतलब कंट्री 38,000 हुआ जो 35,000 एक एक्स वाई जेड अमाउंट पकड़ते हैं फिर नेक्स्ट ईयर फिर ग्रोथ होगा ही होगा मतलब हर एक साल आपकी इंक्रीमेंट होती है जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो उसमें अगर देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है ग्रेड पे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हर एक साल उसमें एनुअल इंक्रीमेंट ऐड होते हैं। एक इंक्रीमेंट ऐड होने का मतलब है 2,000 रुपए बढ़ जाना, है ना? अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे तो 2,000 रुपए सालाना हमारी सैलरी बढ़ जाती है। सैलरी बढ़ जाती है बट पोस्ट हमें हाई वाला नहीं मिलता ऐसी से। हाँ, मतलब पोस्ट नहीं बढ़ेगी ओनली सैलरी अप्रिसिएशन होगा। अप्रिसिएशन होगा। यस। ओके एक्चुअली मेरा एसएससी मैंने चॉइस इसलिए किया बिकॉज उसमें एक सुकून की जिंदगी है। हाँ वो ठीक है कि सुबह में आना है 9 to 5 करना है 5 बजे निकल गए। बैंक में ऐसी बात नहीं है। बैंक में अगर ऑफिसर लेवल पर पहुंच गए तो यू कैन नॉट थिंक कि जब तक आपका बॉस बैठा हुआ है तो आप निकल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। और रात के 8 बजे से पहले पैन इंडिया किसी भी ऑफिस में आप रहेंगे और खासकर बड़े बैंक में जहां तक मैंने बात किया बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक में तो यहां पे रात के 8 बजे से पहले निकल जाएं ऐसा संभवतः बहुत रेयर आपके ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा। ये है बातें तो ये मैंने आपको डिफरेंशिएट बता दिया है। एक बार देखें एक बार आके है ना बड़ी एग्जाम एसएससी अच्छी एग्जाम है थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। दोनों के लिए पूरी गाइडेंस मैं आपको दूंगा जहां तक जीएस या फिर बैंक के लिए जीए की बातें हैं दोनों के लिए गाइडेंस हमेशा देता रहूंगा। आज की इतनी ही बात मैं रखता हूं क्योंकि आज मेरा भी बहुत ज्यादा बोलने का मन नहीं है उसके बावजूद मैंने अंत में बहुत ज्यादा बोल दिया। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे इससे आगे की बात हम करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड है तो मेरे सामने आप रखें। आखिरी के समय में कोशिश करूंगा एक सरल लहजे में उसका उत्तर दिया हूं। ओके थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। गुड डे। थैंक यू सर। हेलो।